अमीर ससुराल में आई गरीब सहेली। ईशा बहू, कल मैं जो शोरूम से साड़ी लेकर आई हूँ वो दिख नहीं रही, कहाँ है? सासुमा, आपकी साड़ी भोला भैया आयन कर रही हैं। ओ गॉड ईशा बहू, तूने भोला को मेरी साड़ी आयन करने को दी ही क्यों? तुझे पता है ना, पूरे 1,00,000 रुपए खर्च करके मैंने इमीडिएटली कल वो साड़ी मंगाई थी। इन गए गुजरे गरीबों को हम अमीरों के कपड़ों की कीमत का क्या पता होता है। शालिनी की ये बातें गरीब भोला सुन लेता है, जिस कारण भोला की आंखों में आंसू भर जाते हैं। अरे ये लीजिए मालकिन, आपकी साड़ी। क्यों रे भोला, एक साड़ी आयन करने में इतने घंटे लगते हैं? ये आजकल के नौकर होते ही नहीं खट्टू हैं। अब खड़ा क्या है, जाकर शगुन की थाली तैयार कर और ईशा बहू देख कर आ दक्ष तैयार हुआ कि नहीं। जी माँ जी। शालिनी देवी बड़े घर की मालकिन है, इसलिए शालिनी की आंखें घमंड से चढ़ी रहती हैं। हाई स्टेटस के पीछे भागना शालिनी की फितरत में है, जिसके लिए आज वो अपने छोटे बेटे दक्ष का रिश्ता लेकर शहर के सबसे अमीर गोर्जा गोइंका के घर जा रही है। कमॉन, चलो सब जल्दी से कार में बैठ जाओ। इसके बाद शालिनी सिंघानिया अपने पूरे परिवार के साथ लड़की वालों के घर निकलती है, जो कि शहर के सबसे महंगे प्लाजा अपार्टमेंट में पड़ता है, जहां नेम प्लेट पर गोर्जा गोइंका लिखा हुआ था। घर के बाहर कई बड़ी एम्बेसडर गाड़ियां खड़ी थी और दरवाजे के दोनों तरफ खाकी वर्दी में पुलिस खड़ी थी। इतनी अमीरी देखकर लालच के मारे शालिनी के मुंह से लार टपकने लगती है। ओ माय गॉड, इतनी लग्जूरियस लाइफ, ये गोर्जा गोइंका तो मुझसे भी रिची रिच है। यू आर राइट मॉम। अचानक दरवाजा खुलता है, शालिनी के सामने गोर्जा गोइंका खड़ी थी, जिसे देखकर शालिनी का चेहरा फीका पड़ गया। तुम? हाँ मैं। क्यों मिसेस शालिनी सिंघानिया, आर यू शॉक्ड? शालिनी न्यासा के चेहरे पर एक गिल्ट था, वहीं ईशा की आंखों में भरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आखिर कौन है गोर्जा गोइंका? क्या रिश्ता रहा होगा गोर्जा और ईशा का? ये जानने के लिए हमें कहानी में पीछे जाना होगा। सबकी बारातें आई डोली तो भी लाना, दुल्हन बना के हमको राजा जी ले जाना। अरे गौरी अब चुप भी हो जा। ईशा मेरी प्यारी सहेली, आज मैं इतनी खुश हूँ कि तुझे बता भी नहीं सकती। याद है बचपन में हम अपने अपने गुड्डे गुड़ियों की शादी एक दूसरे से करा देते थे, ताकि हम दोनों एक दूसरे के घर आ जा सके। अरे तू चिंता मत कर, मेरे होने वाले ससुराल में अनुराग का एक छोटा भाई भी है, तेरी शादी वहीं करा दूंगी, फिर हम दोनों सहेलियां एक ही ससुराल में खुशी से रहेंगी। गौरी और ईशा बचपन की दो सहेलियां हैं। गौरी बहुत ही गरीब है, वहीं ईशा अमीर रंजीत सिंह की बेटी है। अमीर गरीब होते हुए दोनों सहेलियों के बीच बहुत स्नेह है, इसलिए कच्ची उम्र से जुड़ना शुरू हुई। उनकी दोस्ती की कड़ी आज भी मजबूत है। मगर क्या दोनों सहेलियों के बीच बताइए प्यार हमेशा ऐसे ही रहने वाला था? आइए देखते हैं। ढलते समय के साथ ईशा की शादी का दिन आ जाता है। गौरी ईशा को अपने हाथों से अपनी सहेली को सजाती है। कितनी प्यारी लग रही है मेरी सहेली, तुझे किसी की नजर ना लगे। ऐसा कहते हुए गौरी की आंखों में आंसू भर आते हैं। अरे ये क्या गौरी, आज तेरी सहेली की शादी है और तू रो रही है? हाँ, क्योंकि 7 फेरों के बाद मेरी सहेली अपने साजन के घर चली जाएगी, फिर मैं कैसे रहूंगी? अरे इसमें रोती क्यों है, जब तेरा मन करे तो मेरे ससुराल आ जाना। ईशा के इस मशवरे ने गौरी के उदास मन को खुशी से भर दिया। इसके बाद ईशा और अनुराग की शादी हो जाती है और ईशा शालिनी सिंघानिया के घर की बहू बन जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। फिर एक दिन, माँ मुझे ईशा की याद आ रही है, क्या मैं उसके ससुराल चली जाऊं? गौरी अब ईशा तेरी सहेली नहीं बल्कि बड़े घर की बहू है, और बड़े लोगों की नजरों में हम गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती। मगर माँ ये जरूरी थोड़ी है कि सभी अमीर लोग एक जैसे ही होते, मैं आज उससे मिलने जाऊंगी। गौरी अपनी माँ की कही सच्ची बातों को टालकर अगली सुबह अपनी अमीर सहेली ईशा के ससुराल आती है, जहाँ ईशा की अमीर सास शालिनी और उसकी ननद न्यासा घमंड से भरकर गरीब गौरी को घूर घूर कर देख रही थी। तभी गौरी हिचकते हुए बोली, जी नमस्ते माँ जी। हाउ कुड यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे माँ जी कहने की? मैडम कहो मुझे, शालिनी सिंघानिया तुम जैसे गरीबों से रिश्ता नहीं बनाती। वो तो तुम मेरी बहू की सहेली हो, वरना मैं तुम्हें इस घर में आने भी नहीं देती।
माँ जी, ये आप मेरी सहेली गौरी से किस तरीके से बात कर रही हैं? बट ईशा भाभी, मॉम ने ऐसा भी क्या गलत कहा है? हाँ ईशा, तुम्हारी सास सच ही तो कह रही है। ईशा अपनी सास और ननद के आगे अपने ससुराल आई सहेली की गरीबी का मजाक बनता देखकर उसे अपने कमरे में ले जाती है। भोला भैया प्लीज मेरे और गौरी के लिए नाश्ता ले आइए। जी बहु रानी। भोला नाश्ता लेकर ईशा के कमरे में लाता है, तभी ईशा की अमीर घमंडी ननद न्यासा गौरी की बेइज्जती करती है। क्या हुआ गौरी, तुम रुक क्यों गई? खाओ ना, पता है इस क्रॉकरी प्लेट की कीमत पूरे 10,000 रुपए है, और तुम जिस महंगी नमकीन और बिस्किट के मजे लूट रहे, इस एक पैकेट की कीमत 5,000 रुपए है। वेल, तुम जिस गरीबी में रहती हो, इसमें तुम इतना महंगा नाश्ता तो देखने को भी नहीं मिला होगा। न्यासा, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। मेरी बेटी से क्या पूछ रही हो, मैं बताती हूँ तुम्हें, तुम गरीबों की एक पैसों की औकात तो होती नहीं, इसलिए तुम हम जैसे अमीरों के गले पड़ जाते हो। अपनी माँ को, गरीब गौरी को इतना सब बोलता देख ईशा का देवर चुप्पी तोड़ कर कहता है, माँ चुप हो जाइए, आप क्या कह रही हैं? अनुराग, सासू माँ मेरी सहेली की गरीबी का मजाक बना रही हैं और आप चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। मैंने कहा था क्या तुम्हें अपनी गरीब सहेली को ससुराल आने का इनविटेशन देने को? है, लुक योर सेल्फ और देखो अपनी इस गरीब सहेली को। हमारे और तुम्हारी इस गरीब सहेली के स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। रिश्ता बराबरी वालों के साथ होता है ईशा, समझी? मॉम वॉज राइट, ये गरीब बस मुफ्त का खाने के लिए हम रईसों से रिश्ता जोड़ते हैं। बस कीजिए मिस्टर अनुराग, मैं तो अपनी सहेली का ससुराल जानकर यहाँ आई थी, मगर मुझे नहीं पता था कि इतने बड़े घर में आप जैसे छोटे दिल वाले लोग रहते हैं। चलती हूँ ईशा। ऐसा कहकर गौरी आंसू भरी आंखों के साथ अपनी सहेली के ससुराल से घर चली आई, मगर गौरी ने उस रोज ठान लिया कि एक दिन वो उनसे भी अमीर बनेगी। उसका मन हर रोज अपनी सहेली के घर में उड़े अपनी गरीबी की बेइज्जती में घुलता रहा। वो रात रात भर जागकर लालटेन की रोशनी में आंखें गड़ाकर पड़ती है और दिन में अपनी माँ के साथ कभी खेतों में खटनी तो कभी भट्टी पर ईंट ढोती है। और अपने लक्ष्य को पहचान कर गौरी ने अफसर के पद की पढ़ाई की और पूरे शहर की अफसर बन गई, जिसके लिए उसे बंगला गाड़ी मिला। उसकी संघर्ष की कहानी हर घर में होने लगी और जैसे यह खबर शालिनी सिंघानिया के कानों में पड़ी तो उसने अपने छोटे बेटे दक्ष को मोहरा बनाया और उसी गौरी के घर रिश्ता लेकर आई जिसका उसने ठट्ठा उड़ाया था। और इस तरह मैंने अपने स्टेटस के साथ अपना नाम बदलकर गौरजा गोइंका रख लिया। मिसेज शालिनी सिंघानिया, एक रोज आपने जिस गौरी की गरीबी का मजाक बनाया, आज वह आपसे भी ज्यादा अमीर है। मैं आपको ताने नहीं मार रही बल्कि आईना दिखा रही हूँ कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। और रही बात इस रिश्ते की, तो ऐसे परिवार में कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती जिस घर में रिश्ते की नींव अमीरी गरीबी हो। इस रिश्ते को मत ठुकराओ गौरी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तब से जब तुम्हें ईशा भाभी की शादी में देखा था। देवर जी सच कह रहे हैं गौरी, मेरे ससुराल वालों की सजा इन्हें मत दो। गौरी बेटी, भूल जाओ जो हुआ और इन्हें माफ कर दे। यस गौरी, वी बोथ आर गिल्टी, प्लीज फॉरगिव मी एंड माय डॉटर, हमें माफ कर दो। क्या तुम मेरे घर की बहू बनोगी? शालिनी के पूछने पर गौरी की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं, जिसके बाद बड़े धूमधाम और शानो शौकत से गौरी की शादी दक्ष से हो जाती है और कल की अमीर गरीब सहेलियां एक ही ससुराल की बहू बन जाती हैं। अब शालिनी और न्यासा के मन में अमीरी का घमंड नहीं रहा, बल्कि उन्होंने सभी के साथ घुल मिलकर रहना सीख लिया। रमीजा भरी गर्मी में रसोई में जल्दी जल्दी रोजे खोलने की तैयारी कर रही थी, वहीं उसकी ननंद नाजिमा एसी की ठंडी हवा में कमरे में बैठी फोन चला रही थी। तभी सलीमा नमाज अदा करके रसोई में काम कर रही रमीजा के पास आ जाती है। या अल्लाह, सूरज ढले एक अरसा बीतने को है और तुमने अभी तक खाने की मेज पर इफ्तारी की तैयारी नहीं की। पता नहीं अल्लाह ने कैसी काम चोर बहू फरमाया है हमें। हमें मुआफ कर दीजिए अम्मी जान, मगर हम तो तब से इफ्तारी की तैयारियों में ही लगे हुए हैं। लोहाल विला कुवत बहुरानी, आज रमजान के पाक महीने का आखिरी रोजा है, पता है चांद भी निकल आया और अब तक तुमने इफ्तारी की तैयारी भी नहीं की, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अपनी सास सलीमा को सख्ती से पेश आता देखकर रमीजा का मन रोने को हो जाता है और रमीजा जल्दी जल्दी मेज पर इफ्तार का खाना लगाती है। इतने में अरशद और अब्दुल भी वहाँ आ जाते हैं, सभी साथ मिलकर रोजा खोलते हैं। तभी नाजिमा सलीमा से कहती है, अम्मी चलिए उठिए। अरे मगर कहाँ,
अम्मी आप भूल गई, आप ईद की शॉपिंग कराने मेरे साथ बाजार जाने वाली थी। अगर अब आपने मना किया तो हम आपसे खफा हो जाएंगे। अरे नाजिमा मेरी बच्ची, नाराज क्यों होती हो, चलो बाजार चलते हैं। अम्मी जान हम भी आपके साथ चले। अगर इस खातून को लेकर गई तो खामखा खर्चे का अच्छा खासा घर बन जाएगा। अरे नहीं नहीं बहू, तुम घर पर रहो, बाजार चलोगी तो ये जूठे बर्तन कब मांजोगी, और फिर कल ईद है, उसके लिए सैकड़ों इंतजाम करने होंगे। अरे बेगम साहिबा, बहू का मन है तो ले जाओ ना। अब्दुल के जोर देने पर सलीमा को अपनी बहू को साथ ले जाना पड़ा। तभी नाजिमा की नजर एक महंगे से मॉल में लगे हुए शरारा सूट पर पड़ गई। या अल्लाह कितना उम्दा शरारा सूट है अम्मी, मुझे कल ईद के मुबारक मौके के लिए ये शरारा सूट ही चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं नाजिमा, अरे भैया कितने का है ये सूट? अरे कुल मिलाकर 10,000 का है खाला, मखमली बेल बूटे का काम है। ठीक है इसे पैक कर दो। सलीमा ने बिना किसी सोच के नाजिमा की फरमाइश पर 10,000 रुपए खर्च कर दिए, जिसके बाद सलीमा ने कल की ईद के लिए सेवइयां, मिठाइयां, खजूर इत्यादि खरीदा। तभी रमीजा की नजर एक नीले रंग के सलमा सितारा सूट पर चली गई और उसने अपनी सास से कहा, अम्मी जान क्या कल ईद के लिए हम ये सूट ले लें? बस करो बहुरानी, तुम्हारी ख्वाहिशें तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, मगर मेरे पास इतने फालतू के पैसे नहीं है जो तुम्हारी फरमाइश पर खर्च करूं। ये सामान उठाओ और घर चलो। एक तरफ जहां सलीमा ने ईद के लिए अपनी बेटी की खुशी के लिए खुलकर खर्च करने की एक बार भी नहीं सोचा, वहीं बेचारी बहू की फरमाइश पर उसे बुरी तरह फटकारा, जिस कारण रमीजा के अरमान मन में ही दबकर रह गए। इसी बीच अगले दिन ईद आ गई। सुबह के सिर्फ 5 ही बजे थे, तभी सलीमा ने जोर जोर से अपनी बहू रमीजा के कमरे का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। बहू, अरे ओ रमीजा बहू। सलीमा की आवाज सुनकर बहू की नींद टूट गई और उसने जल्दी से दरवाजा खोला और सलीमा ने ईद की खुशियों भरे दिन की शुरुआत खटास के साथ शुरू की। या अल्लाह, या आजकल की आलसी बहू सास की आवाज सुनकर भी अनसुना कर देती है। ऐसा ना कहें अम्मी जान। अरे क्या कहना और क्या नहीं कहना, ये सब छोड़ो, आज ईद का दिन है और तुम अभी तक बेपरवाह होकर मजे की नींद सो रही हो। चलो अब बिना देरी किए घर की साफ सफाई करो, तुम्हें पता है ना हर साल ईद पर हम अपनी बेटी नाजिमा को मीठी सेवई खिलाकर उसकी ईद मुबारक करते, अब जल्दी करो। जी अम्मी जान। रमीजा नमाज अदा करके जल्दी जल्दी सफाई कर लेती है और ईद के लिए पकवान बनाने लगती है। इतने में पूरी तरह से सुबह हो जाती है और नाजिमा उठते ही सलीमा को आवाज लगाती है। अम्मी अम्मी कहाँ हैं आप? यही हैं तुम्हारी अम्मी, ईद मुबारक मेरी बच्ची। ये क्या अम्मी, आप हमें ऐसे सूखे सूखे ईद मुबारक कर रही हैं? हमारी सेवई कहाँ है? हाँ हाँ अभी लाई। सलीमा जल्दी से किचन में आती है और वहाँ रमीजा सेवई बना रही होती है। ये देखकर वो बुरा सा मुंह बनाकर कहती है, या अल्लाह बहू अभी तक तुमने सेवई भी नहीं बनाई, अरे तब से क्या झक मार रही थी, क्यों करती हो तुम ऐसा? ये क्या कहेगी अम्मी, मैं बताती हूँ, रमीजा भाभी जान को मेरे खाली बैठे रहने से खलिश है। ऐसा कुछ भी नहीं है नाजिमा, अम्मी जान हमारे यकीन करे। बस करो बहू, ये झूठ मूठ की सफाई पेशी ना करो और जल्दी से पकवान बनाओ। सलीमा और नाजिमा रमीजा को बुरा भला कह रही होती हैं। तभी वहाँ पर अरशद आ जाता है, जिस कारण दोनों चुप होकर वहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी देर में नाजिमा नया शरारा सूट पहनकर सज धज कर अपनी सहेलियों के घर घूमने निकल पड़ती है। वहीं बेचारी बहू सारा दिन रसोई में उलझ कर रह जाती है। इसी बीच शाम ढल जाती है। तभी शाम को रमीजा के मायके से अनवर और आबिदा ईदी देने के लिए आते हैं। तभी रमीजा रसोई से बाहर आती है। अम्मी अब्बू आप तशरीफ लाइए। ईद मुबारक हो मेरी बच्ची। रमीजा सब खैरियत तो है, ईद के इस मुबारक मौके पर तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है, बताओ मेरी बच्ची। हाँ हाँ बहू बताओ अपनी अम्मी को कि तुम्हारी सास तुम पर जुल्म ढाती है। बस करो बेगम साहिबा, ये क्या लहजा है समधन जी से बात करने का। हाँ अम्मी अब्बू खुदा के लिए आप दोनों यहाँ से तशरीफ ले जाएं। इसी के साथ रमीजा उदास मन से अपने मायके वालों को जाने के लिए कह देती है, जिसके बाद अरशद रमीजा को रोता हुआ देखकर चुप्पी तोड़कर बोल पड़ता है, अम्मी जान आखिर आप रमीजा के साथ इतना फर्क क्यों करती है? इसलिए कि वो इस घर की बेटी नहीं बल्कि बहू है। वाह मेरे लाल बहुत खूब, तो आखिर तू जोरू का गुलाम बन ही गया, तुझे अपनी बेगम के झूठे आंसू दिख रहे हैं, अपनी अम्मी नहीं। अरे बस करो बेगम साहिबा,
अरे जरा खुद ही सोचो, बेचारी बहू एक सुबह से भरी गर्मी में खाना बना रही है। क्या बेचारी बहू का मन नहीं करता कि वो भी हमारे साथ ईद की खुशियां मनाए? एक तरफ तुमने नाजिमा को ईद के लिए महंगे नए कपड़े दिला दिए और वहीं बहू इस खुशनुमा मौके पर भी फी के पुराने कपड़ों में है। ये फर्क नहीं तो क्या है? अब्दुल की कड़वी बातें सलीमा को आईना दिखा जाती है, जिसके बाद वो कहती है, या अल्लाह, एक तरफ तो मैंने अपनी बेटी की झोली में भर भर कर खुशी डाल दी और वहीं दूसरी तरफ बहू से उसकी ईद की खुशियां छीन ली, मगर मैं अपनी भूल ठीक करूंगी। इसी तरह समय ढलता जाता है और एक बार फिर ईद का मुबारक मौका आता है और ईद के उस रोज सलीमा अपनी बहू को उपहार में बेल बूटी से गड़ा सुंदर सा सूट देती है। ईद मुबारक हो बहू, ये लो आज तुम यही पहनना। शुक्रिया मीजान। अपनी सास के हाथ से ईद का उपहार लेकर रमीजा का मन खुशी से भर गया। सलीमा ने खास अपने हाथों से ईद की मीठी सेवई और ढेरों पकवान बनाए। इतने में रमीजा के मायके वाले भी वहां आ गए। उन्हें देखकर बहू की आंखें भर आईं। अम्मी, अबू, आप दोनों यहाँ? हाँ बेटी, तुम्हारी सास ने हमें ईद की दावत पर आने को कहा था। बहू, अपनी सास को माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ फर्क किया और तुम्हारे मायके की तौहीन की, फिर भी तुम आज तक मुझे सास का तवज्जो देती रही, मुझे मुआफ कर देना। समधन जी, समधी जी, आइए, ईद की मुबारक मेज आपका इंतजार कर रही है। सलीमा ने न सिर्फ अपनी गलती सुधारी बल्कि ईद के खुशनुमा मुबारक मौके पर बहू के मायके वालों की खूब खातिर नवाजी की और रमीजा को अपने हाथों से सेवई खिलाई, जिसे देखकर अनवर और आबिदा रमीजा के लिए बहुत खुश हुए। वहीं नाजिमा ने भी अपनी भाभी के गले लगकर ईद की मुबारकबाद बांटी। ईद की खुशी का ये समा इस बार रमीजा के लिए खुशियों भरा रहा।